दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। पूर्व के मामलों में लीपापोती होने के कारण मेरठ जिले में नकली में मिलावटी पेट्रोल व डीजल का खेल बदस्तूर जारी है। सफेद पोश अपने कपड़ों की क्रीज नहीं टूटने दे रहे हैं और नागरिकों को इस तेल के कारण अपने वाहनों की जिंदगी से खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रविवार को परतापुर थाना क्षेत्र के बिजली बम्बा बाईपास स्थित बाजोड़ गांव के बीचों बीच रिहायशी इलाके में नकली तेल बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मार दिया, जहां से पुलिस ने हजारों लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने इसकी सूचना तुरंत आपूर्ति विभाग को दी। मौके पर पहुंचे आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि वसीम नामक व्यक्ति गांव के ही दीपक त्यागी के मकान में इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। वसीम लोहिया नगर का रहने वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां से तेल लेकर जाने वाली गाड़ियां कुछ आसपास के प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप पर भी देखी गई हैं, जिसे देखकर लगता है कि यहां से बनने वाला नकली तेल कई प्राइवेट पेट्रोल पंप पर भी सप्लाई किया जाता था, जिसकी जांच पुलिस एवं सप्लाई विभाग करने में जुट गया है। बता दें कि पूर्व में वेस्ट यूपी के बड़े तेल कारोबारी संजय कुमार के ठिकाने से 70,000 केरोसिन बरामद हुआ था। हालात ऐसे बन गए थे कि संजय कुमार रतिराम की गिरफ्तारी तय थी, लेकिन नतीजा अंत में जीरो साबित हुआ। ऐसे मामलों में कोई प्रभावी कार्रवाई न होने का असर है कि तेल के इस काले धंधे में सफेद पोश की सफेदी बढ़ती ही जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।